अब कहो राधा, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए तुम्हें? अच्छा, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना? ठीक है, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। अत्यधिक बोलते हो ना तुम, अब मेरे सामने मौन ही रहना, समझे? जैसी आपकी आज्ञा। 3, 2, 1। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, कम से कम तुम्हारी बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। राधे राधे। राधे राधे। उफ, कृष्ण को मौन किया तो अब ये शुका का आरंभ हो गया। कान्हा, ये गुरु दक्षिणा तो महंगी नहीं पड़ गई? राधा तो तुम्हें मौन करा कर ही चली गई, अब क्या? चिंता मत कीजिए दा, इसके लिए राधा अवश्य बचता है। देखा, ऐसा होना चाहिए निशाना, निशाना एकदम सटीक होना चाहिए। चलो तुम्हारी बारी, जाओ एक मटका उठाओ। अब गोपियों की भांति चलो। क्योंकि हमें उन मटकियों को निशाना बनाना है जो गोपियां लेकर चलती हैं, समझे? कान्हा, प्रतीत होता है तुम बहुत समय से अभ्यास कर रहे हो। हाँ, निसंदेह कर रहा हूं, किंतु ये समय अभ्यास का नहीं, वास्तविक परीक्षा का समय है। के संग छेड़खानी करे राधा, के संग छेड़खानी करे नट पर नंद लाला रे। साधन जो छेड़खानी करे नट पर नंद लाला रे, कौन जतन करे कैसे बचे सोचे ब्रिज की ये बाला रे। राधा के संग छेड़खानी करे नट पर नंद लाला रे। राधा के संग छेड़खानी करे नट पर नंद लाला रे। राधा के संग छेड़खानी करे नट पर नंद लाला रे। कृष्ण की उदंडता तो बढ़ती ही जा रही है, कितनी कठिनाइयों से मौन करवाया था उसे और मेरी मटकी तोड़ दी, अब एक नई मटकी उठाओ फिर इतनी दूर जाके पानी भर के लाओ। पता नहीं कि कृष्ण इतना क्यों सताता है मुझे।
राधा खड़ी हो, पानी भरने के लिए कहा था ना। सारा पानी भर दी इतना शीघ्र? अवश्य ही ये कृष्ण का काम है, किंतु यदि उसका नाम लूंगी तो बात बढ़ जाएगी। हाँ वो पहले से आदत है, इसलिए शीघ्र भर दिया। उचित है, अब बाकी के कार्य भी शीघ्र अति शीघ्र कर। अब भीगी लकड़ियां सुखाना, भोजन बना देना, और ये सब हो जाए उसके बाद माखन निकाल देना। जाओ। पानी भर दिया, इतने सारे मटके इतना शीघ्र भर दिया, उत्तम। अब इतने सारे कार्य दूंगी ना मैं तुम्हें राधा, कि कमर टूट जाएगी तुम्हारी। भीगी लकड़ियां सुखाते सुखाते, भोजन बनाते बनाते, सारा दिन बीत जाएगा राधा। करते रहो। ये लकड़ियां तो यहां सूखी पड़ी हैं, ये कैसे हुआ? चावल भी बन गए, ये सब हो कैसे रहा है? माखन भी बन गया। हो ना हो, ये सब उस कृष्ण ने ही किया, ऐसे नहीं चल सकता। अब यदि मेरी सास मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? राधा सारी लकड़ियां सुखा दी और भोजन भी बन गया। जाओ माखन निकालो। माखन भी निकाल दिया, इतने सारे कार्य इतना शीघ्र कैसे? हाँ वो मैंने सुबह ही सारी तैयारियां कर ली थी। वो क्या है ना कि माँ ने मुझे बचपन से गृह कार्य का प्रशिक्षण दिया है, तो इसलिए सारा काम शीघ्र ही कर ली थी। और कोई काम है? हाँ नहीं, तुम जाओ। प्रशिक्षण? ये कैसा प्रशिक्षण? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की इतने सारे कार्य तो चुटकी में कर रही, कैसे? बहुत हो गया, अब मुझे कृष्ण से बात कर ये सब रोकना ही होगा। तेरी आंखों में जो प्रसन्नता की चमक हुआ करती थी,
वो तो कहीं लुप्त हो गई है। तू तू अपने नए घर में ठीक तो है ना? हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ। किंतु उतनी प्रसन्न नहीं जितनी यहाँ अपने घर में थी। वहां पे अपने हृदय की बात करने वाला कोई नहीं है ना? हाँ, सत्य कहा काकी। काकी, मैं भी तो यही कह रहा था। राधा को अपने हृदय की बात सुनने की, उसे किसी के साथ बांटने की आवश्यकता है, और वहां पे तो कोई बात करने के लिए है ही नहीं। सब ऐसे रहते हैं वहां पे, किससे बात करोगे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं, मैं शीघ्र ही अपना कोई नया मित्र ढूंढ लूंगी। माँ आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। कृष्ण, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे आसपास मेरी अनुमति के बिना बात मत करना। मुझे लगा तुम अपने हृदय की बात केवल मुझसे कह सकती हो, इसलिए मैंने बात करना आरंभ कर दिया। बस करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अब तुम मौन रहोगे, समझे? क्या, कैसे ऐसे कैसे कर सकती हो राधा तुम? मुझे लगा तुम उपहास कर रही हो, किंतु तुम तो वास्तव में मुझे मौन करने जा रही थी। सच में? सच में? ठीक है, अब ऐसा ही होगा तो मैं अब तुमसे कुछ बात ही नहीं करूंगा, एक बात नहीं कहूंगा तुमसे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी स्वर सुनने के लिए ना तुम ऐसे तरस जाओगी, लेकिन तुम एक शब्द नहीं बोलूंगा। ऐसे कैसे लोगे नारायण, क्या हुआ? अच्छा, इतना बुरा लगा तुम्हें? तो बहुत बुरा लगा। अच्छी बात है, अब तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो और मौन रहो। मैं तुम्हारा स्वर सुनने के लिए तरसूंगी। अपने स्वप्न लोक से ना बाहर आओ, बड़े आए। और सुनो, अपनी माया बंद करो, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। मौन। चल, जैसी तुम्हारी आज्ञा। मैं मौन तो रहूंगा राधा, किंतु अपने मन की सारी बातें तुमसे करता रहूंगा। देखना, इस कृष्ण को तो मैं कुछ नहीं बोलने दूंगी, मौन ही रखूंगी। इतना सताया है ना मुझे, गिन गिन कर प्रतिकार लूंगी उसका। शुका, चलो बोलो, राधे राधे। अरे अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मौन बोलो? अच्छा समझ गई मैं, मैंने कृष्ण को मौन करवाया, अब तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे। शुका, कृष्ण ने तुम्हें मुझे दे दिया, अब तुम्हें मेरा मित्र होना चाहिए, और तुम हो क्यों उस कृष्ण का साथ दे रहे हो। चलो अब बोलो राधे राधे और मुझसे मित्रता करो अभी। अच्छा सब समझ रही हूँ मैं, सेवा मैं तुम्हारी करूँ और तुम पक्ष लो उस कृष्ण का जो मुझे इतना सताता है। ठीक है शुका, मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। हे नारायण, कितना अहंकार है शुका में।
ओहो शुका, इंतु शुका इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही तो बुलाया है इसे। इंतु क्यों? राधा ने कृष्ण को मौन कर दिया और ये शुका अपने आप ही मौन हो गया। हाँ भाई, अंततः है तो तुम्हारा ही ये शुका। किंतु ऐसा होगा नहीं ना, तब होगा वैसा ही जैसा राधा चाहेगी। शुका बात अवश्य करेगा, किंतु शुका के बात करने का साध कृष्ण के व्यवहार के अनुरूप होगा। थोड़ा नटखट और मनोरंजन से भरपूर। अर्थात शुका, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा ये शुका ऐसा क्या समझ गया जो मैं भी नहीं समझ पाया? तुमने बोलना आरंभ कर दिया ना, इसका अर्थ ये है कि तुम उस कृष्ण के नहीं मेरे मित्र बनने के लिए सज्ज हो, है ना? राधा का मित्र, राधा का मित्र। फिर से बोलो, किसके मित्र हो तुम, मेरे या उस कृष्ण के? उस कृष्ण का नाम ही मत लेना मेरे सामने। तो क्या कृष्ण ने तुम्हें भी सताया क्या? कृष्ण का नाम मत लो। सच चुका, तुम जानते हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना कुछ बोल सकते हो। मैं तुमसे बहुत सी बातें करने के लिए अति उत्साहित हूँ। अब मैं अपनी सारी मन की बातें तुम्ही को बताऊंगी। राधे राधे। शुका। राधे राधे। शुका का तुम्हारे पास आना सार्थक हो गया। तुम्हारे मुख पर आई वो हल्की सी मुस्कान, उसने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। चलो शुका तो बात करने लग गया, अब मुझे भी बात करने का कोई उपाय खोजना होगा। और ऐसा होने के बिल्कुल भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे कान्हा। मैंने आपसे कहा ना, राधा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और राधा क्या चाहती है ज्ञात है? राधा तुमसे बात नहीं करना चाहती। दाऊ प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका के क्रोध में निकले शब्दों पर विश्वास नहीं करता। वो विश्वास करता है उसके हृदय में जो बात है उस पर। और यदि मैं बात करूं राधा के हृदय की, तो वहां पे केवल और केवल कृष्ण ही है। उचित कहा, शत प्रतिशत उचित कहा कान्हा। किंतु प्रश्न ये उठता है कि ये होगा कैसे? चलो यमुना से जल ले आते हैं। क्या ये क्या हो रहा है? ये दोनों तुम कन्याओं वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? कन्याओं वाले काम? चुटकी, काम तो काम होता है, इस बात पर हंसना उचित नहीं है। पर राधा, पानी भरना तो सिर्फ बहाना है, कृष्ण को तो हम सबको सताना है। मैं जानती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये कृष्ण अपनी चतुराई से मुझसे बात करने का अवश्य प्रयास करेगा। तुम इसे किसी भी प्रकार से मेरे पास आने मत देना। क्या है कृष्ण, तुम यहाँ पे पानी भरने क्यों आए हो? तुम यहाँ पानी भरने क्यों आए हो? ये सब क्या है, कैसे प्रश्न है ये? अब यमुना तट पे आकर पानी भरने पर भी प्रतिबंध लगाओगे आप लोग? मैं जानता हूँ कि यहाँ पे किसी के साथ बात करने पर प्रतिबंध अवश्य है, किंतु ये ऐसा अन्याय? ए नारायण, कैसा अन्याय हो रहा है मेरे साथ? क्या सुना मैंने?
कान्हा के बात करने पर प्रतिबंध लग गया है। ये तो असंभव है। मेरे कान्हा की वाणी इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय है कि उसे सुने बिना तो मैं एक प्रहर भी नहीं रह सकता, और किसी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ये तो अनुचित है। जाओ। क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने अपने मन की बात कह रहा था ना राधा। किंतु राधा, ये कैसे संभव है कि तुम कान्हा से बात तक नहीं कर रही हो और तो और उसकी तरफ देख भी नहीं रही हो? देखिए दाऊ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, किंतु यदि आप कृष्ण का साथ देंगे ना तो मैं आपसे भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं राधा, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या दाऊ, बिल्कुल नहीं। आपका भाई मुझे दिन भर बातें करके सताता है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या अन्याय हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है? दाऊ मैंने कुछ किया? मैंने कुछ भी किया? ये देखो ना कैसी बातें करती है मेरे बारे में। दाऊ अपने भाई से कह दीजिए कि ये ढोंग बंद कर दे, उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। क्या हुआ, इतना क्रोध कहाँ से आ गया? कान्हा, यदि राधा कान्हा से बात नहीं करेगी तो मुझे क्रोध नहीं आएगा क्या? हाँ आ सकता है, शांत हो जाइए। किंतु क्रोध आया किस पे? राधा पे या कृष्ण पे? उस शुका पर। शुका पर? जब से राधा को वो शुका मिला है तब से उसने अपने कान्हा की परवाह करना छोड़ दिया। अन्यथा ऐसा हो सकता है क्या कभी कि राधा कान्हा से बात ना करे? राधा ने उस शुका में अपना कान्हा ढूंढ लिया है, किंतु अब मैं उस शुका को पकड़ कर वन में छोड़कर आ जाऊंगा। न रहेगा शुका, न रहेगी ये समस्या। कहा उस शुका को? वन में। शुका को अभी बड़े बड़े कार्य करने हैं था, कहा उसे भगाने चले आ? शुका को बड़े कार्य, जब इस संसार से हम निकल जाएंगे था तब यही शुका सुखदेव बनकर इस संसार को भागवतम का पाठ सुनाएगा। इतने महान ग्रंथ को सुनाने वाले को तुमने अपनी प्रेम कहानी में ही डाल दिया। जब देखेगा, जब सुनेगा, तभी तो बताएगा ना था। भागवतम प्रेम का संदेश है दाव। अब यदि कोई प्रेम ही समझ नहीं पाया तो भागवतम सुनकर क्या कर लेगा? शुका राधा और कृष्ण के बीच एक प्रेम की कड़ी बनकर राधा के साथ है। अब शुका प्रेम से प्रेम का पाठ सुनेगा, सीखेगा, साक्षी बनेगा और फिर इस संसार को सुनाएगा, ताकि ये संसार स्पष्ट रूप से समझ जाए। ये भागवतम और कुछ नहीं, कृष्ण का इस संसार के नाम एक प्रेम संदेश है।